नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर पेट्रोल है, के सीरीज इंजन, और इसमें जो कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अपन उसके लिए अपन उसका ECM आज नया डालेंगे। ये ECM है, तो आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि गाड़ी का जो चेक लाइट है कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी आता है तो फास्ट आता है और तुरंत चला जाता है, उस कभी रुकता नहीं है उसके ऊपर। तो इग्निशन स्विच को मैं ऑन करता हूँ, ये देखो चेक लाइट अभी आया नहीं, आ गया, थोड़ा लेट आ गया, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी लाइट है वो भी आ गया, लेकिन ये आने का जो कंडीशन है वो थोड़ा लेट आ रही है। आपको ऑफ करता हूँ, मैं ऑन किया, ऑफ करता हूँ, ऑन किया, ये लेट आता है, देखेंगे तो आइए देखो आके ब्लिंक करके, तो ये चेक लाइट का, इंजन चेक लाइट का प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो इसके वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अभी इसको मैं क्रैंकिंग करूँगा, मैं क्रैंकिंग कर रहा हूँ लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही। और तो उसके लिए अपन और इसका जो स्कैनर के साथ ECM भी उसका जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो इसका जो प्रीवियस वीडियो है इसमें मैंने बताया था वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो बहुत सारा भाई लोगों का कंप्लेंट ये था कि आपने वो कोडिंग कैसा किया वो बताओ, तो उसको अपन कोडिंग भी करेंगे ECM को, वो भी मैं दिखा दूँगा। ये नया ECM लाया हुआ है, तो मैं एक मिनट ओपन करता हूँ कि मैं अकेला हूँ और अकेला एक ही हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से काम कर रहा हूँ। तो इसका N2 का ECM है और पार्ट नंबर भी सेम है उसका, इस यहाँ पे 3392075J21 N2। तो इसको अपन चेंज करके देखेंगे कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है क्या, और उसके साथ में उसका कोडिंग कैसा करते हैं वो भी देखेंगे X-Tool PS70 Pro स्कैनर के ऊपर। तो ये अपना ये न्यू ECM है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, और ये गाड़ी का ओल्ड है, तो खोलते हैं इसको एक बार। ओल्ड है, इस पर भी नंबर देखेंगे तो सेम है, चलेगा। तो अपन नया डालते हैं, ये सिर्फ N2 सेम होना चाहिए, ये पे N2 है, N2 ठीक है, तो इसको लगाते हैं। तो फाइनली फिटिंग कर दिया मैंने न्यू ECM, और ये ओल्ड वाला है, और इसका जो के सीरीज़ जो इंजन बोलते हैं वो 2010 और 10 के बाद में है, तो उसका जो ये एल्यूमिनियम का बॉडी रहेगा इसमें टाइमिंग चेन रहेगा, पहला वाला जो आता था उसमें टाइमिंग बेल्ट आता था, और जो के सीरीज़ में जो आएगा उसमें टाइमिंग चेन आएगा, ये एल्यूमिनियम का बॉडी रहेगा हेड का, और नीचे का इंजन का जो कवर है ये वाला, तो ये के सीरीज़ इंजन हो गए। और अभी अभी इग्निशन स्विच ऑन करते हैं, ऑन किया मैंने, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो सिक्योरिटी लाइट है ये फ्लैशिंग कर रहा है, तो जब भी ये फ्लैशिंग ब्लिंकिंग करती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी, इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा, जो सिक्योरिटी लाइट है ताला लाइट वो। तो इसका जो OBD केबल लगा दिया मैंने DLC कनेक्टर में, और सीधा X-Tool PS70 Pro स्कैनर के ऊपर उसको कोडिंग करेंगे, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी लाइट जब भी रुकेगा तभी गाड़ी अपनी स्टार्ट होएगी, जो ब्लिंक कर रहा है वो रुकना चाहिए। तो जाते हैं डायग्नोसिस मारुति, सीधा जाएंगे इमोबिलाइजर में, इंडिया इमोबिलाइजर बाय व्हीकल, और ये अपना के सीरीज इंजन है, तो के सीरीज में जाएंगे,
टाइप वन, और पहले पिन कोड निकालेंगे, तो पिन कोड ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऑल की लॉस। तो यहाँ पे उसका जो 20 डिजिट का जो आईडी है इसके ऊपर आ गया। तो इसका एक मैं फ़ोटो निकाल के रखता हूँ, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ़ोटो निकाल लिया मैंने। और इसको अपन कैलकुलेट करेंगे अभी। ओके, कैंसिल करता हूँ, जाते बैक, रीड पिन कोड में जाएंगे। और इसमें इनपुट करने के लिए बोल रहा है 20 डिजिट, तो इसको इनपुट करता हूँ। यहाँ पे A8B1, तो ये 20 डिजिट इनपुट करता हूँ मैं। 4F, तो यहाँ पे जो सेम मैंने उसके अंदर इनपुट कर दिया, यहाँ पे A8B1 से लेके से 0A4F, तो मैंने मोबाइल में जैसा था वैसा मैंने इनपुट कर दिया इसके अंदर, 0A4F। ओके ओके करते, तो यहाँ पे इसका जो 4 डिजिट का जो कोड आया उसको अपने को उसमें डालना पड़ेगा कोडिंग के लिए। तो उसका भी एक फ़ोटो निकालता हूँ। या फिर आप स्क्रीनशॉट भी मार के रख सकते हैं इसके ऊपर, जो आपको काम में आ जाएगा। या फिर उसका स्क्रीनशॉट है फर्स्ट में। ओके करते जाएंगे, नहीं टाइप वन में, ऑल की लॉस में जाएंगे। ये तो कोड को अपन कैलकुलेट किया है, अभी इसमें 4 डिजिट का इनपुट करना पड़ेगा, जो यहाँ पे उसका जो नंबर है 757E, इसको इनपुट करते हैं। सेवन फाइव सेवन ई 757E डाल दिया। ओके करते, तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया है वो फॉलो करना है आपको। आफ्टर परफॉर्म दिस फंक्शन ऑल की विल बी एरियस, तो ये पहला वाला जो की है वो एरियस हो जाएगा और नया चढ़ेगा। तो इसको अपन यस करते, ऑल एरियस की सक्सेस। ओके, तो अभी ये बोल रहा है कि आपका ईयर पूछ रहा है कौन सा है, इनपुट करंट ईयर, तो इसमें डालते हैं 2022। ओके, मंथ डालते हैं 11। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोग्राम सक्सेस, वेदर टू प्रोग्राम नेक्स्ट वन, तो आपके पास और एक की है तो प्रोग्राम करने के लिए बोल रहा है, नहीं है तो नो करो। तो एक वाली होगी तो उसका जो सिक्योरिटी लाइट है देखेंगे तो ये स्टेबल हो गया, मतलब रुक गया, अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है, मतलब एक प्रोग्राम हो गया अभी। मतलब एक बार चालू करते हैं, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो कोडिंग कैसा करने का उसका मैंने प्रोसेस बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।